नमस्ते यूट्यूब। तो आज का हमारा टॉपिक होगा लेग वर्कआउट के ऊपर, टॉप 7 लेग का वर्कआउट जो बिगनर्स लोग अपने रूटीन में ऐड कर सकते हैं, बेस्ट टॉप 7 वर्कआउट फॉर बिगनर्स। मैं फॉर्म दिखा दूंगा, गोलू भैया दिखाएंगे आज कि आप लोगों को किस तरीके से लेग का वर्कआउट का फॉर्म होता है, टॉप 7 वर्कआउट का जो बिगनर्स अपने स्टार्टिंग डेज में लगा सकते हैं। उसके बाद थोड़ा एडवांस हो जाए तो उनका ट्रेनिंग स्प्लिट अलग हो जाएगा, तो मैं उस पर भी बनाऊंगा वीडियो, पर ये अभी बिगनर्स के ऊपर है, उसको मद्देनजर रखते हुए मैंने वीडियो बनाया। तो सबसे पहला अपना वर्कआउट होगा लेग के लिए, क्योंकि आप पहले आपने कुछ नहीं किया है तो इसीलिए सबसे पहले आपको लेग को खोलना जरूरी है। तो आप वार्म अप कर लें, वार्म अप पे मैं नहीं जा रहा हूँ, पर अभी सबसे पहला जो सेट है वो बता रहे हैं कि फ्री वेट स्क्वाट करना है। फ्री वेट स्क्वाट में आपको हैंड इस तरीके से रखना है, हैंड इस तरीके से रखिए और स्क्वाट करना है, नॉर्मली स्क्वाट करना है। स्क्वाट करिए, इनको दिखा दीजिए वो लोग पूरा इस तरीके से स्क्वाट करना, आपका बॉडी पूरा स्ट्रेट रहेगा और पूरा नीचे तक बैठ रहा है। जिस तरीके से देखिए बैठ रहे, पूरा नीचे तक जा रहे और ऊपर आ रहे, ये जिस तरीके से कर रहे हैं 25 एक बारी में 25 करना है, 25 बार एक बारी में, देन उसके बाद 4 सेट करना है, 25-25 करके 100 कंप्लीट करना है पूरा। तो ये आपका एक सेट कंप्लीट होगा, मतलब 100 पूरा रेपिटेशन 100 होगा और 25 का सेट होगा, मतलब 4 सेट में कंप्लीट करना है। सो अपना आज का सेकेंड वर्कआउट होगा लेग का, आप फ्री वेट स्क्वाट मार लिए जिसमें आपको वेट नहीं रहेगा, और सेकेंड होगा वेटेड स्क्वाट। वेटेड स्क्वाट का भी मैं फॉर्म दिखा देता हूँ, दिखाइए भैया जी किस तरीके से फॉर्म होगा। हैंड का प्लेसमेंट इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग बहुत ज़्यादा क्लोज ले लेते हैं बार को, जिस तरीके दिक्कत होता है उनको फिर शोल्डर में। अभी आप न्यू हैं तो आपका शोल्डर मोबिलिटी उतना अच्छा नहीं होगा, तो वाइड लें थोड़ा, जय नीचे। अभी आप लो बार स्क्वाट नहीं लें, आपको हाई बार स्क्वाट लेना है क्योंकि आप बिगनर हैं। इस तरीके से हाई बार स्क्वाट लें, थोड़ा सा पैर का डिस्टेंस जिस तरीके से आप चलते हैं नॉर्मली, ज़्यादा वाइड भी नहीं लेना दूसरों को देख के, ज़्यादा क्लोज भी नहीं लें, जिस तरीके से आप चलते हैं उस तरीके से। और जो घुटना है आपका सामने की तरफ नहीं खुलेगा, थोड़ा सा अपोजिट वॉल की दिशा में खुलेगा, इतना भी नहीं डेप्थ लेना, बस जमीन के पैरेलल, बस जमीन के पैरेलल आना आप लोगों को, जितना जमीन है उसके पैरेलल आना। देख लीजिए आप जितना ये मार रहे हैं, जिस तरीके जो फॉर्म में मार रहे हैं उसी तरीके से, आप अगर बिगनर है अभी तो उस तरीके से लगाएं। इसका आपको ज़्यादा नहीं, बस 10 टाइम लेना, मतलब 10 रैप लेना और फिर इंक्रीजिंग सेट में लेना रैप। जैसे एक बारी किया इन्होंने खाली बार से, फिर उसके बाद वेट इंक्रीज करेंगे 5 किलो, और फिर उसके बाद 3 सेट करना है, 3 सेट में 10-10 रेपिटेशन, मतलब 30 रेपिटेशन टोटल होगा 3 सेट में। तो नेक्स्ट वर्कआउट पे मिलते हैं। लेग का आपका स्क्वाट मसल के लिए, जो आउटर मसल होता है उसके लिए आपका लेग प्रेस, लेग प्रेस सबके मशीन में सबके जिम में होता है, तो लेग प्रेस का भी मैं फॉर्म बता देता हूँ। पैर को ज़्यादा भी इधर आइएगा थोड़ा, पैर को ज़्यादा पैर दिखाइए, पैर का प्लेसमेंट, पैर को ज़्यादा वाइड भी ना रखें इस तरीके से, और ज़्यादा क्लोज भी ना रखें ताकि आपका घुटने पे तैनात, पैर को इस तरीके से रखना है। पैर का जो प्लेसमेंट है अनलॉक करिए मशीन, आप उसके बाद आपका जो मशीन में प्लेसमेंट है उसको पकड़ लीजिए, करिए जहाँ तक लाना आपका लोअर एब्स में पूरा ये टच होना चाहिए, और देन उसके बाद पुश करना है पूरा ऊपर करिए अच्छे तरीके से। और जब ये इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग यहाँ पुश करते हैं पूरा ये नीचे अपना लॉक तोड़ देते हैं, मतलब इस तरीके से पूरा सीधा कर देते हैं, ये आप लोगों को नहीं करना, हल्का सा नीचे में लोड रखना है इस तरीके से ताकि आपका घुटनों पर जोर ना पड़े लेग प्रेस लगाते समय, बस इतना ही लाना। यही है रेंज ऑफ मोशन, दिखा दीजिए परफेक्ट। तो मिलते हैं अपना नेक्स्ट वर्कआउट के ऊपर लेग का। फोर्थ वर्कआउट होगा लेग का, लेग का आपका ओवरऑल ग्रोथ के लिए, ग्लूट हो गया, हैमस्ट्रिंग और स्टिंगअप की ग्रोथ के लिए आप लोगों का ये लंचेस वर्कआउट होगा। ये भी बहुत टेक्निकल वर्कआउट है, बहुत लोग लगा तो लेते हैं पर उनका फॉर्म इसमें सही नहीं होता है, तो फॉर्म आप देख लीजिए जिस तरीके से भैया जी लगा रहे हैं। चलिए सबसे पहले तो आपको रुक जाइए, जैसे आपका पैर है ज़्यादा आप लोगों को बड़ा भी नहीं खोलना है, जिस तरीके से बहुत लोग बहुत बड़ा खोल लेते हैं इस तरीके से, वो भी नहीं खोलना, ज़्यादा क्लोज भी नहीं खोलना, जिस तरीके से इनका है बस बैठे, ठीक है। चलिए फेस आगे फेसिंग रखिए, ये आपका लेग के ग्रोथ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट वर्कआउट है, ये आप अपना रूटीन में अगर बिगनर है तो जरूर डालें, आप लोगों को रिजल्ट दिखेगा। सो अपने नेक्स्ट वर्कआउट में मिलते हैं। सो लेग का अपना फिफ्थ वर्कआउट होगा, जो आप लोगों को ज़्यादा इक्विपमेंट का जरूरत नहीं, बस एक डंबल का जरूरत है। अगर आप लोग बिगनर्स हैं, अगर आप लोगों को डंबल से नहीं हो रहा है तो आप खाली हाथ भी कर सकते हैं, मैं फॉर्म दिखा देता हूँ किस तरीके से करना है। चलिए
इसमें आप ये गलती ना करें कि जैसे आप इसको पैर चलाए और नीचे बैठिए, ये सामने की तरफ नहीं लाना है, इसको आपको बाहर की दिशा में आपको पुश करना है, आइए बाहर की दिशा में इसको लेके जाना है। आपके घुटना जो रहेगा ये घुटना, ये आपका बाहर प्लेसमेंट होना चाहिए, बाहर की तरफ होना चाहिए, पूरा नीचे तक जाना है। ये आप लोगों की कॉर्ड्स मसल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट वर्कआउट है। और इस तरीके से आपका फॉर्म होगा, आप स्क्रीन पे जिस तरीके से देख पा रहे हैं। सो अपना नेक्स्ट वर्कआउट कर लेते हैं। सुमो स्क्वाट वर्कआउट करने के बाद अपना सिक्स्थ वर्कआउट होगा लेग एक्सटेंशन, लेग एक्सटेंशन मशीन पे। अगर आप लोगों के जिम में अवेलेबल ही होगा, सारे लोगों के जिम में ये मशीन अवेलेबल होता है, तो इसमें भी ज़्यादा टेक्निकल वर्कआउट नहीं है। नॉर्मली आप मशीन में प्लेसमेंट करें और अपने घुटने को पूरा ऊपर खोल दें अच्छे तरीके से। इसमें पूरा घुटना आपका स्ट्रेट होना चाहिए। एक सेकंड का होल्ड करें, एक सेकंड का यहाँ जूम करके दिखाइए जिस तरीके से मार लगा रहे हैं। ज़्यादा वेट नहीं लेना, अभी आपको ईगो लिफ्टिंग नहीं करना है, कम ही वेट लेके अच्छे तरीके से पूरा फॉर्म को सीखें। सबसे इंपॉर्टेंट है, आप अगर बिगनर है अभी तो आप लोगों को कुछ भी करने में फॉर्म को सीखना, तो अच्छे तरीके से पूरा ऊपर एक दो सेकंड का होल्ड लें ताकि आपका मसल पूरा फील हो लगाते वक्त, और नीचे लाते वक्त भी नेगेटिव में भी एक दो सेकंड का होल्ड लें जिस तरीके से ला जा रहे हैं। जैसे जाते वक्त भी झटका से नहीं छोड़ रहे थे, मशीन मुझे नीचे ले जा रहा है, वेट ही कंट्रोल करते हुए ला रहे हैं। तो वेट इस तरीके से लगाएं कि वेट आपको कंट्रोल ना करें, वेट को आप कंट्रोल करें। तो नेक्स्ट वर्कआउट में मिलते हैं आपको। तो आज का अपना सेवंथ वर्कआउट एंड लास्ट वर्कआउट होगा लेग का हैमस्ट्रिंग कर्ल, वो भी यही मशीन पे होगा। आप लोगों के जिम में ये दोनों मशीन अलग अलग है तो उस पर लगा लें, या फिर एक ही में अटैच है तो इसको स्ट्रेट कर दें, इस पर आके आप लगा सकते हैं। मैं पूरे तरीके से आप लोगों को उल्टा होकर लेट जाना है और थोड़ा पैर को प्लेसमेंट पीछे रखिए ताकि आप पीछे पीछे आइए, थोड़ा पूरा चेस्ट को नीचे लगाइए। इसमें भी वेट आप कम रखें ताकि आप हैमस्ट्रिंग को करते वक्त पूरा अच्छे तरीके से फील कर पाए। एक एक रैप को स्लो करना है, कुछ भी आप लेग का वर्कआउट कर रहे हैं, लेग के वर्कआउट में इसमें 15 रैप्स लेना है और 3 सेट में। हर वर्कआउट जो भी कर रहे हैं आप 3 सेट करें, तो 15 रैप एक बारी में, जैसे 15, फिर दूसरे बारी 15, फिर तीसरे बारी 15। वेट तभी इंक्रीज करें आप जब आपको लग रहा है कि आप उसमें 15 रैप अच्छे तरीके से नेक्स्ट सेट में लगा पाएं। सो थैंक यू इतना दूर तक हमारा वीडियो देखने के लिए। आज का अपना वीडियो था लेग वर्कआउट के रूटीन पे। अब नेक्स्ट वर्कआउट हमारा ट्राइसेप का होगा, और जो भी हम लोग करेंगे, जो एडवांस वर्कआउट करेंगे आप लोगों को शो कर देंगे, या हम लोग कभी साथ में वर्कआउट करेंगे तो भी शो कर देंगे। तो थैंक यू इतना दूर तक वीडियो देखने के लिए। लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो कॉमेंट करें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।